गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी खबर आती है सबसे पहले आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ के माध्यम से आपको दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बड़ी खुशखबरी के विषय में। यूपी यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 22,000 पद खाली हैं और सरकार का ऐलान हो चुका है दोस्तों, जल्द शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट आपको हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पूरी खबर। तो आप दोस्तों पहले ये देख लीजिए कि शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे, उसके बाद मैं आपको 22,000 वाली भी खबर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षकों के रिक्त पद जो है जल्द भरे जाएंगे और विधान परिषद की ये बात है। सरकार ने विधान परिषद में आश्वासन दिया है, अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज में रिक्त शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरा जाएगा। शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा, जगवीर किशोर जैन और हेम सिंह पुंडी अन्य ने नियम 105 के तहत सवाल उठाते हुए देश में सहायक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक विहीन होते जाने। नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, अशासकीय और यहाँ पे देख सकते हैं सहायता प्राप्त हाई स्कूल कॉलेजों में संस्था प्रधान से लेकर प्रवक्ता सहायक अध्यापकों के खाली पदों के लिए यहाँ पे 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को पुनर्गठित किया है। बोर्ड द्वारा अब तक 2401 सहायक अध्यापकों के अलावा 547 पदों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा प्रधान से रिक्त 2502 पदों के लिए अध्याचन बोर्ड को प्रेषित किया जा चुका है, इसमें 855 पदों के साक्षात्कार हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों कि 22,000 वाली खबर कैसी है। दोस्तों, आप ये खबर देख सकते हैं, कॉलेजों में शिक्षकों के 22,000 पद खाली, जिला विद्यालय निरीक्षकों ने 1881 का किया सत्यापन। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदेश में 3200 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 22,210 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की ओर से मांगे गए ऑनलाइन अध्याचन में यह रिपोर्ट मिली है। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षकों ने 1881 पदों को सत्यापित करके चयन बोर्ड को अंतिम रूप से भेजा। 6,627 पदों को सत्यापित करते हुए प्रबंध तंत्र की जानकारी मांगी है। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी बात है कि यहाँ पे 22,000 पद खाली हैं और केवल 1881 पदों को सत्यापित कर चयन के लिए यहाँ पे भेजा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही 13,702 पद DIOS के स्तर पर लंबित है। चयन सूत्रों के अनुसार खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया अगस्त महीने में शुरू होगी। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी बात है, अगले महीना यहाँ पे आप जानते ही अगस्त है, तो अगस्त में शिक्षकों की भर्ती जो है शुरू हो जाएगी। और हो सकता है दोस्तों दिसंबर के एंड तक इनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाए। तो अगर यहाँ पे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी निराश मत बैठिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। और आप लोगों का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 22,000 पद जो हैं, 22,000 में से अगर मान लीजिए 15,000 भी पद आते हैं तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांस हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।